भाजपा प्रदेश कार्यालय में संयुक्त पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव मौजूद रहे। भाजपा की आयोजित हुई कार्य समिति की बैठक पर वीडी शर्मा ने कहा कि दुनिया को सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन मिला और बैठक में 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन होने के लिए सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। देश में कई किसान नेता हुए हैं, लेकिन 70 सालों में कृषि क्षेत्र में विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो ऐतिहासिक है। आगामी दिसंबर तक देश के हर बूथ पर कमेटी बन जाएगी, देश के हर बूथ पर मन की बात सुनाई जाएगी और घर घर दस्तक देकर वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए जागरूक किया जाएगा। और जोवट में उस लाइन को समर्थन मिला है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, झाबुआ में स्पेशल प्रोग्राम किया और अमित शाह जी के नेतृत्व में जबलपुर में स्पेशल प्रोग्राम किया। देखिए, इस देश के जनजाति इज नॉट इक्वल टू द ट्राइबल्स ऑफ अमेरिका, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका, नो, देयर इज नो इक्वालिटी। Indian tribals are part and parcel of Indian cultural history and traditions. They have never been, you know, treated as inhabitants versus. BJP stands for this cultural tradition and its diversity. India mein tribals ki existence or survival ये डीएनए का झगड़ा नहीं है, यह बैकवर्डनेस का झगड़ा है। अमेरिका में डीएनए का झगड़ा है, हमारे डीएनए का झगड़ा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में डीएनए का झगड़ा है, हमारे डीएनए का झगड़ा नहीं है। इसीलिए हम इस विषय को ले लिया है और 15 नवंबर को इसी दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी शामिल होने जा रहे हैं। We have taken up this challenge not vis-a-vis Congress. Congress is nowhere. For us, it is not a Congress versus. And it is not electoral. It is something different, a cultural diversity and part of DNA and addressing the backwardness. साथ ही प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव ने कहा कि मध्य प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनाव में सरकार और संगठन ने समन्वय के साथ काम किया। धारणा थी कि उपचुनाव सरल नहीं था, लेकिन चुनौतीपूर्ण जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा में हमने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश में बीजेपी लंबे समय तक रहेगी और हर चुनौती को हम स्वीकार करेंगे। एक जमाने में कांग्रेस पंचायत से संसद तक मजबूत थी, पर अब बीजेपी मजबूत रहेगी। आने वाले समय में बीजेपी का 50% से ज्यादा वोट रहेगा, ये हमारा लक्ष्य है। हम हर बूथ पर बीजेपी को मिलने वाले वर्तमान वोट से 10% वोट और बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता की पार्टी है, ऐसे में हम अब टारगेट बनाने जा रहे हैं एवरी बूथ एड 10%। यानी आज जहां बूथ है जहां पर उसको एक्स वोट मिला है तो उसको मैपिंग करना कि एक्स प्लस 10। आज कोई बूथ कमजोर है 30% है तो मिनिमम 10 ऐड करो। ऐसा करके हम, ऐसा नहीं कि एवरेज 11% बढ़ाना है और स्टेट में कोई मैप कर दिया, ऐसा नहीं। हम बूथ के साथ बैठने वाले हैं और बूथ कमिटी को बिठाने वाले हैं और उनका वोट उनके सामने रखने वाले हैं और उसके बाद हम कहां कम कहां, ऐसा करते हुए बूथ कमिटी विल प्रिपेयर ए रोड मैप टू एड 10%। अब हमारा जो 2021 एंडिंग से लेकर 2022 एंड तक हमारा जो टारगेट है, 2023 एंड नहीं हमारे इस टारगेट के लिए, कि उसको एड 10% वाला संगठन कैसा होना चाहिए।
और उसी का मंडल में एग्रीगेट करते हुए उसका और बाएं दाएं का क्या एडिशन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय मुनीर राव जी उपस्थित हैं और साथ ही मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी भी उपस्थित हैं। दोनों ही नेतागण आपसे चर्चा करेंगे। पहले माननीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर राष्ट्रीय कार्य समिति के संदर्भ में वे आपसे विस्तार से चर्चा करें, तत्पश्चात माननीय मुनीर जी करें। साथ ही राव ने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की जमकर तारीफ भी की। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।